25 मई को छठे चरण में सुल्तानपुर में चुनाव होना है। मेनका गांधी एक बार फिर से सुल्तानपुर से बीजेपी की उम्मीदवार है। चुनाव से ठीक पहले सुल्तानपुर के पूर्व विधायक और बाहुबली चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मेनका गांधी से उनकी पुरानी अदावत है। अब एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने मेनका गांधी से बातचीत की, जिसमें मेनका गांधी ने कहा कि यहां पर कोई बाहुबली नहीं बचा, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। इस बार की चुनावी लड़ाई और बयानबाजी को लेकर भी मेनका गांधी ने राहुल गांधी को घेरा है। मेनका ने राहुल गांधी के खटाखट गरीब महिलाओं के खाते में पैसे आने वाले बयान पर उन्हें शेख चिल्ली कहा। बीजेपी में वरुण गांधी के भविष्य पर मेनका ने कहा कि इस पार्टी में उनका भविष्य उज्जवल है। अभिषेक उपाध्याय ने बातचीत की मेनका गांधी से और इसी दौरान तमाम सवाल उनसे रहे, जिसको लेकर मेनका गांधी ने जवाब दिए। बाहुबली वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यहां पर कोई बाहुबली नहीं बचा है, जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा। और इस बार की जो चुनावी लड़ाई है और जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर भी राहुल गांधी को लेकर मेनका गांधी बात रखती हुई नजर आई। अभिषेक उपाध्याय से बातचीत हुई है, सुनिए। हमारे साथ में सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी मौजूद है। मेनका जी, पहला सवाल बड़ा ही आपको मैं एकदम आजकल की घटनाक्रम बता रहा हूँ। बाहुबली की एंट्री की बात की जा रही सुल्तानपुर की राजनीति में, बाहुबली की एंट्री, सोनू सिंह ने समाजवादी पार्टी कल रात में ज्वाइन की, अखिलेश यादव ने ज्वाइन कराया है, आप बड़ी बुलंद आवाज उठाती रही हैं बाहुबलियों के खिलाफ। ये जो एंट्री हुई है मेनका जी, इसे आप कैसा देखती हैं, सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में एक दो दिन पहले? इस पर मैं कॉमेंट करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ कोई बाहुबली बचे नहीं, तो जहाँ भी जाए खुश रहे। तो के आने से आपको कोई, आपकी चुनाव को डिरेल होने का कोई खतरा या कोई समस्या नहीं? आपने चैलेंज किया उनको, तो हम लोग जानते हैं यहाँ की राजनीति में आपने सोनू सिंह को चैलेंज करके रखा है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल जाएगा, खत्म हो गई बात। इसमें बाहुबली और नो बाहुबली का सवाल नहीं है। हम यहाँ एक शांत जगह चाहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब सेटल डाउन हो गया है। कोई बाहुबली इस तरीके का बचा नहीं है। अब जिसको जाना है कौन सी पार्टी में, हम कौन रोक सकता है? उम्मीद थी कि अखिलेश यादव कांग्रेस एन मौके पर ये कदम उठाएंगे कि सोनू सिंह को शामिल करें। कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, अब खुश रहे दोनों। दुआ भी दे रही हैं, सबको दुआएं मिलती हैं, पूरे क्षेत्र में सबको दुआएं मिलती हैं। तो आपका कैसा चल रहा है? अब तो दो दिन बाकी रह गए, आप लगातार मैं देख रहा हूँ यहाँ डटी हैं और अभी सबसे आप बात कर रही थी, मैं बाहर देख रहा था। क्या पिछली बार और इस बार के मार्जिन में मेनका जी क्या उम्मीद लग रही है? मैंने बहुत काम किया है 5 साल में, अब उसका उसका अंजाम तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। आपको उम्मीद है कितना मार्जिन? कभी नहीं। अधिकारों के लिए आपने बहुत आवाज उठाई है, एक केस स्वाति मालीवाल का हो गया है दिल्ली में बहुत चर्चा में, कुछ आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं उसको। एक बात और बता दीजिए, आपकी आप यहाँ पर हैं, आपके पड़ोस में रायबरेली अमेठी में चुनाव खत्म हो चुका है, वहाँ गांधी परिवार लड़ा है, रायबरेली में राहुल गांधी लड़े हैं, क्या आपको लग रहा है वहाँ की लड़ाई को देखते हुए? चूँकि आप ऑब्जर्वेशन आपका हो ऐसे है कि इलेक्शन में मैं सुल्तानपुर के बाहर देखती भी नहीं हूँ, वो लड़े जैसे मैंने कहा खुश रहे। तो आशीर्वाद दिए जा रही खुश रहने, क्या करूँ मैं? क्या करूँ? रायबरेली में बीजेपी जीत सकती है आपको लगता है? I don't know at all. तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी की आपको पूरी संभावना है? तीसरी बार वापसी? हाँ है, लगता है कि हम लोग आएंगे। नहीं, आपको संख्या का है, हालांकि आप अपना ही नहीं बता रही हैं सुल्तानपुर का, तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपना ही नहीं बता पा रही हूँ तो बाहर का क्या बताऊँगी, लेकिन लगता है कि आ जाएगी सरकार आसानी से। आ अब कोई चीज़ जिंदगी में आसानी से नहीं होती, लेकिन आ जाएंगे। बता दीजिए वरुण यहाँ पर आएंगे, कैसी चर्चा है कि आपके सपोर्ट के लिए आखिरी मौके पर यहाँ आएंगे? कल आ रहे। वरुण का भविष्य आगे का क्या देखती है? बहुत ही उज्जवल, इसी पार्टी में उज्जवल है या कहीं और भी जा सकते? नहीं, इसी पार्टी में। यू नो, लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि MPs ही पार्टी होते हैं, लेकिन एक पार्टी में 1 करोड़ लोग हैं, उनमें से 200-300 ही तो MP हैं या 400, उसके अलावा भी तो लोग होते हैं बेटी। जो लोग चलाते हैं पार्टी वो अक्सर पार्लियामेंट में नहीं होते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये बात कह रही हैं कि इसी पार्टी में भविष्य उज्ज्वल है वरुण गांधी का, मतलब ये जो तमाम चर्चाएं थी कि पार्टी छोड़ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं अपना खुद का, ऐसा कोई? अब इलेक्शन के बाद देखते हैं बेटे।
आपसे बस आखिरी सवाल कर लो क्योंकि आपको जाना होगा, और ये सवाल मैं आपसे सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए कर रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ और हमेशा से एक चर्चा मैंने सुनी है कि राहुल गांधी वरुण गांधी में एक चर्चा ये भी है कि वरुण गांधी का जो इंटेलिजेंस लेवल और जिस तरह की उनकी उनकी प्रखरता है, अगर वो जगह जो राहुल गांधी के पास है वो वरुण गांधी के पास होती तो शायद सिनारियो कुछ और होता। कभी सोचती इस बारे में? ये अगर मगर में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? वो क्या है वो पोएम, अगर मैं मुझे मूछ होता तो मैं लड़का होता, तो या कुछ ऐसे नहीं। तो ये अगर मगर में नहीं पढ़े। इंटेलिजेंस लेवल वरुण की बहुत हाई है, लेकिन यू नो किस्मत भी तो एक चीज़ होती है। जहाँ है, जहाँ उसकी माँ है। ठीक, गांधी कुछ कहेंगी आप राहुल गांधी की वे या पॉलिटिक्स? नहीं, एससी एसटी ओबीसी को कोई यहाँ पर वही नहीं, जगह ही नहीं है। हम खटाखट पैसे की बातों कर रहे हैं कि सरकार आएगी खटाखट 1,000 रुपये 1,00,000 रुपये अकाउंट में आना। कहाँ से लाएंगे पैसे? बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेके हम दे देंगे, वो कह रहे हैं अदानी अंबानी से लेंगे। यू नो दिस इज कॉल्ड शेख चिली। तो अब शेख चिली में हम लोग पढ़ते नहीं है। शेख चिली वाली बातें कर रहे हैं सब? नहीं, लेकिन ये वाली तो शेख चली है। आप बहुत ही संक्षिप्त जवाब देती हैं कुछ चीज़ों का, जवाब देकर के एकदम से आप खामोश हो जाती हैं। गांधी परिवार पे आप खुल के क्यों नहीं बोलती हैं? क्या एक आपका पारिवारिक रिश्ता इस नाते आपने ऐसा कुछ रास्ता चुना है? मैं किसी चीज़ पर लंबा बोलती नहीं हूँ। सुल्तानपुर पर लंबा बोलती हैं, लेकिन सुल्तानपुर भी छोटे स्पीचेस हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मेनका जी हैं अपनी बात कहते हुए, और इस बार जीत की पूरी उम्मीद है। और अहम बात ये भी वो कह रही हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उनके प्रति जो उनका समर्पण है वही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज सुल्तानपुर। तो मेनका गांधी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई बाहुबली नहीं बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बाहुबली सोनू सिंह ने भी एबीपी न्यूज से बात की और मेनका पर निशाना साधा। एबीपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान सोनू सिंह ने कहा कि अगर अपने लोगों के लिए लड़ना बाहुबली है, बाहुबल है, तो मैं बाहुबली हूँ। अगर मैं अपराधी हूँ तो 5 साल मेनका गांधी सांसद रही, 5 साल उनके बेटे सांसद रहे, तब तो उन्हें मुझमें कोई कमी नहीं दिखी। सोनू सिंह ने यह भी कहा कि जनता हिसाब बराबर करेगी। कि क्या हिसाब चुकता करेंगे इस बार? पिछली बार आप हार गए थे, आप 2 दिन पहले ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हराएंगे मेनका गांधी को? अब देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा से पार्टी उम्मीदवार जो रामभूपाल निषाद जी लड़ रहे हैं उनके लिए पूरी मेहनत से मेहनत करूंगा। जीतना हारना तो ऊपर वाले के हाथ में। आपके जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि हिसाब बराबर करना है? अब हिसाब तो जनता बराबर करेगी ना, मैं थोड़े बराबर करूंगा। देखिए, जहां तक बाहुबली की बात है तो बाहुबली तो मैं हूं नहीं, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए संघर्ष करना, अगर ये बाहुबल कहलाता है तो ठीक है। सियासी जंग में जुबानी प्रहार और हार जीत के दावों का दंगल बदस्तूर जारी है। हर नेता, हर पार्टी अपनी जीत और दूसरे की हार का दावा भर नहीं कर रहे, बल्कि अब तक 5 चरण के चुनाव में कितनी सीटें आ चुकी हैं इसकी भविष्यवाणी तक कर रहे हैं, और चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे क्या होंगे इसकी भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। चुनाव के नतीजों पर नेताओं के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 5 चरण में 310 सीटों के पार, ये दावा अमित शाह की तरफ से। 5 चरणों में इंडिया गठबंधन को बहुमत, ये दावा जयराम की तरफ से। बीजेपी 140 सीट के लिए तरस जाएगी, ये दावा अखिलेश की तरफ से। और इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये दावा केजरीवाल कर रहे हैं। चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब 6ठा और 7वां 400 पार का है, आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है।
2003 और 2004 में इंडिया शाइनिंग था और लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीति के भीष्म पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये अनंत विजय, इनको कोई हरा नहीं सकता। पर 2004 को जनादेश बहुमत किसको मिला? कांग्रेस पार्टी और यूपीए के गठबंधन दलों को। तो 20 साल बाद इंडिया जनगणन के पार्टियों को ऐसा ही स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि 543 400 पार के मतलब 143 सीट हैं और जनता इन्हें 140 के लिए तरसाएगी। तो सुना आपने, सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर तस्वीर क्या है, क्या माहौल है, ये जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस वक्त जुड़े हुए हैं, यूपी के बारे में ज्यादा जानकारी वो देंगे, प्रकाश बिहार की बात हमसे करेंगे, मृत्युंजय कुमार महाराष्ट्र के बारे में जानकारी देंगे और श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पश्चिम बंगाल से हमें जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले बिहार को लेकर जानकारी लेंगे प्रकाश से, क्योंकि फिलहाल जो बिहार है वहां पर माहौल भी गर्म नजर आ रहा है, सियासत जिस तरीके से उभर रही है, लेकिन बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या आप देख पा रहे हैं प्रकाश, क्या तस्वीर सामने आती है? पूजा, देखिए जो 5 चरण में चुनाव हुए हैं उसको अगर हम जोन में बांटे, जैसे सीमांचल का इलाका, तो सीमांचल के इलाके में क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो ये मानकर चला जा रहा है कि वहाँ पर जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसका पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन क्या ध्रुवीकरण हुआ उस इलाके में? अगर ध्रुवीकरण हो चुका है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि फिर NDA अलायंस जो है उसकी बढ़त हो सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उस इलाके में किस तरह से प्रचार हुआ चुनाव और लोग किस तरह से वोट करने आए हैं। वैसे ही मिथिलांचल का इलाका है, दरभंगा मधुबनी इन सब इलाकों में अगर देखा जाए तो ये भी वही माना जाता है कि अगर ध्रुवीकरण होता है तो इसका फ़ायदा हो सकता है। और इसी को अगर आप ले जाएं सीमांचल और मिथिलांचल के अलावा साउथ बिहार में ले जाएं, तो साउथ बिहार के जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान हुए हैं वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण, यहाँ पर जातीय समीकरण काफ़ी ज़्यादा हावी रहा है, तो अगर इंडिया अलायंस का जातीय समीकरण चला तो वहाँ पर उसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो इन 5 चरणों में अगर देखा जाए तो लबोलुभाव ये कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला, टक्कर देखा जा रहा है। कुछ जगहों पर NDA को बढ़त है तो कुछ जगहों पर इंडिया अलायंस को, लेकिन जीत और हार का जो मार्जिन है वो ये बताया जा रहा है कि वो मार्जिन कब कम हो सकता है। तो ऐसे में किसका होगा बंटाधार और किसका होगा बेड़ा पार, ये परिस्थितियां ये इशारा करती हैं कि जीत और हार का जो मार्जिन है वो इस बार कम हो सकता है। नंबर गेम की हम बात कर रहे हैं, जिन राज्यों में नंबर गेम को लेकर बात चल रही है उनमें से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है। और श्रीनिवास, आप तो लगातार जनता के बीच रहे हैं चुनाव के दौरान, जब आप लोगों से बात कर रहे थे क्या उनके मुद्दे और किस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर स्थिति नजर आती है? देखिए पूजा, मैं पश्चिम बंगाल के तकरीबन तमाम सीटों पे गया और कह सकते हैं कि अमूमन माहौल पिछले 2019 से कुछ जुदा नज़र आ रहा है। जहां तक उत्तर बंगाल की बात है, जहां पे माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई है, इस बार भी माहौल कुछ उसी तरह का है, लेकिन एक आधा सीट पे ये कहा जा रहा है कि मामले टक्कर जो है वो कांटे की है। लेकिन सबसे बड़ी बात जहाँ पर खेला होना है वो साउथ बंगाल का इलाका है, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सफलता हासिल की थी, लेकिन इस बार लोगों का कहना है कि शायद वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सके। चुनाव के शुरुआत में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जैसा TMC का कहना है संदेश खाली नारी सम्मान, और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती गई आप कह सकते हैं कि संदेश खाली का मुद्दा जो है नेपथ्य में चलता चला गया। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर तय करेगी, इस बार जो लेफ्ट CPM की पार्टी है, CPM, लोगों को ये कहा जा रहा है कि उसके कैडर अब वापस उससे जुड़ने लगे हैं, और कहा तो ये भी जा रहा है खास करके मुर्शिदाबाद जैसे सीट पे ये बताया गया कि वहाँ पे कॉमरेड सलीम टक्कर में है। लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि CPM भी एक आधा सीट के साथ आ सकती है, लेकिन अगर CPM के कैडर CPM के साथ जुड़ते हैं तो इससे ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। पूजा बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन अभिषेक यूपी का जिक्र करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि जहां 5 चरण के चुनाव के बाद अमित शाह 310 सीटें जीतने का दावा करते हैं, तो यूपी तो वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, क्या इतना आसान होगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि 140 तक पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल काम है।
पूजा, यूपी ही गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है, जो 80 सीटें हैं वहीं से इस बार पूरा ये गेम चेंज होने की बात दिख रही है। देखिए, दो बात समझनी होगी, यूपी में दो धाराएं हैं। पहली धारा है जो लोकल फैक्टर की बात करती है, जहां जात के समीकरण हावी होते हैं, जहां उम्मीदवार से नाराजगी, पसंद नापसंद वो हावी होती है। इस धारा को विपक्ष ने पकड़ रखा है, जात के फैक्टर और उम्मीदवार की एंटी इनकम्बेंसी। और इसी धारा पर विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। और यहां पर बहुत हद तक विपक्ष की जो बातें हैं वो ऐसा लग रहा है कि उनके पास आधार है, क्योंकि ऐसी तमाम नाराजगी की बात सामने आ रही है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर है और वो है मोदी फैक्टर, और जब आप उसकी बात आप करती हैं तो वो लोकल नाराजगी वो सबसाइड हो जाती है और मोदी फैक्टर प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये लड़ाई एकदम क्लियर है, या तो लोकल फैक्टर चलेगा या मोदी फैक्टर चलेगा। अगर लोकल फैक्टर चलेगा तो बीजेपी का नुकसान होना तय है, और अगर मोदी फैक्टर चलेगा तो बीजेपी जो 2019 की सीटें थी उससे भी ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। तीसरी और कोई यहां संभावना नहीं है। पूजा, ठीक है अभिषेक। मृत्युंजय, महाराष्ट्र को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि ये पहली दफा है जब दो पार्टियों के बीच टूट के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। अब वहां का गणित समझाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को, क्या कहता है वहां का मैथमेटिक्स। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र बहुत अहम है, 48 सीटें हैं। बीजेपी गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, वो लक्ष्य लेकर चले थे 45 प्लस का। ये हालांकि चुनावी लक्ष्य है और जमीनी हकीकत कुछ और होती है। चुनावी मुद्दे जो थे, जैसे मराठा आरक्षण का मुद्दा था, ये बहुत चला है। रोजगार का मुद्दा काफी चला है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा का काफी फर्क पड़ा है। लेकिन जो बड़े शहरी सीट्स हैं वहां कांग्रेस तो लड़ी नहीं। मुंबई जैसी सीट, मुंबई में 6 लोकसभा की सीटें हैं, वहां कांग्रेस को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, तो वहां पर लड़ाई शिवसेना में आई है। अब दूसरा फैक्टर है कि देखिए वोट किसको कहां जाएगा, बड़े कठिन है कह पाना, क्योंकि शिवसेना अब तक बीजेपी के साथ रही थी, अब वो अलग है, दो भागों में बट गई है। एनसीपी दो गुटों में हो गई है, तो अजीत पवार के साथ लोग जाएंगे या शरद पवार के साथ, ये भी लड़ाई है। कई जगहों पर सामना शिवसेना शिवसेना का है, एनसीपी एनसीपी का है। बारामती जैसी लड़ाई है, वहां सुप्रिया सुले है और अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, ऐसी लड़ाई है। तो कुल मिलाकर दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, और चुनावी साइकोलॉजी है कि अपने दावे किए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों की, लेकिन हकीकत तो 4 जून को पता चलती है। लेकिन जमीनी हकीकत ये नजर आते हैं कि बीजेपी की सीटें कम जरूर होंगी, और इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि हमारी सीटें इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में इस बार ज्यादा आएंगी, और वैसा होगा। तो ऐसे अगर आकलन की बात करें तो बीजेपी महायुति, जैसा हमारा सर्वे भी लगभग वही दिखाया था, 32 से 35 के बीच रह सकती है, और इंडिया गठबंधन लगभग 13 से 15 सीट हो सकता है। ये सटीक तो निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज पर 4 जून को स्पष्ट हो जाएंगे। बड़ी खबर, दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, और वोटिंग से पहले आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, दिल्ली में नई साजिश हो रही है, केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी सकपका गई है और दिल्ली का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है, हरियाणा के जरिए यमुना का पानी रोकने की कोशिश। दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर करने वाले हैं। दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि इस बार 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को देने वाले हैं, और यही कारण है कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक नया षड्यंत्र रचना शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं।